15 अगस्त 1947, भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली। लगभग 150 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 1857 में बहुत से ऐसे स्वतंत्र सेनानियों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। यह संघर्ष आगे चलता रहा। इस संघर्ष में कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक थे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। उनका जन्म 1891 में हुआ। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी हो गई। कारण यह था कि उन्होंने जैक्सन नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की। यह जैक्सन कौन था? जैक्सन नासिक जिले का कलेक्टर था, अंग्रेजियों का प्रतिनिधि था, अंग्रेजों का विरोध करने वाले भारतीयों का वह शासक था, स्वतंत्र प्रेमी भारतीयों का जीवन ध्वस्त करने वाला, उसे कुचलने वाला यह अंग्रेजी अधिकारी जैक्सन था। उसकी हत्या कर अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले क्रांतिकारक अनंत लक्ष्मण कान्हेरे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए उनकी क्वालिटीज के बारे में देखते हैं और उसके पीछे की जो स्टोरी है उसको सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है, अनंत कान्हेरे रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका में आईनीमेटे गांव के रहिवासी थे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने हेतु वह संभाजीनगर में रह रहे थे। अंग्रेजी के साथ वह चित्रकला भी सीख रहे थे। उन्हें सरकार की शिष्यवृत्ति प्राप्त थी। गंगाराम मारवाड़ी सराफ के घर में वह रह रहे थे। वह उनसे 2 साल बड़े थे, लेकिन उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। गंगाराम मारवाड़ी एक व्यापारी थे और बहुत ही बड़े देशभक्त भी थे। उन्होंने गुप्त रूप से देशभक्ति की शपथ ली थी। अनंत कान्हेरे उनसे हर बार बोलते कि मुझे देश के लिए कुर्बान होना है, देश के लिए कुर्बान होना है। इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने रॉकेल का दिया जलाया। दिए का काज गर्म होने तक उन्होंने राह देखी। उसके बाद अनंत कान्हेरे के हाथ में वह गर्म काज दे दिया। गुलदस्ते की तरह अनंत कान्हेरे ने हाथ में वह काज पकड़ लिया। उनके दोनों हाथ जल रहे थे, लेकिन फिर भी वे शांत थे। अनंता जरूर कुछ पराक्रम करेंगे, यह जानकर उन्हें निश्चिंती हुई। उन्होंने अनंता को गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की शपथ दिलाई। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, जैक्सन को मारने की योजना 2 बार रुक गई। जैक्सन की पदोन्नति और तबादला नासिक से मुंबई होने वाला था। नासिक में वह कलेक्टर था और मुंबई जाकर वह कमिश्नर बनने वाला था। इसीलिए राजनिष्ठ लोगों ने उनके सत्कार समारंभ का आयोजन किया। जैक्सन अगर एक बार नासिक से बाहर निकल गया तो उसकी हत्या करना लगभग मुश्किल था। इसीलिए यह सोचकर अन्ना कर्वे ने उसकी हत्या की योजना बनाई और इस कार्य का काम अनंता को सौंपा जाए ऐसा निश्चित हुआ। 21 दिसंबर 1909 रात को 9 बजे जैक्सन की हत्या का जो मुहूर्त था वह ठीक हुआ। नासिक के विजयानंद नाट्य गृह में यह हत्या की योजना बनाई गई। अन्ना कर्वे की सूचनानुसार विनायकराव देशपांडे वह संभाजीनगर तक पहुँचे और उन्होंने यह खबर अनंत कान्हेरे को दी। शाम तक आता हूँ ऐसा उन्होंने उनको बताया। नासिक में आकर वह विनायकराव देशपांडे के घर पर आए। वहाँ आकर उन्होंने 2 पिस्तौलें उनसे ली। नाटक रात 9 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन अनंता 1 घंटे पहले ही वहाँ जाकर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट विनायकराव देशपांडे से हुई। उन्होंने उनको 2 टिकटें दी। वह टिकटें लेकर वह अंदर घुसे। एक गाना शुरू हुआ, उतने में ही जैक्सन की घोड़ा गाड़ी वहाँ आई और सभी उसे लेने सरकारी अधिकारी उसके सामने गए। जैक्सन अंदर आते ही अनंता उनके सामने फुर्ती से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर लगातार 4 गोलियां जैक्सन के छाती पर लगा दी। जैक्सन की हत्या का समाचार बाहर सभी जगह फैल गया। जैक्सन खून के आरोप में कुल 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। उनमें से अनंत कान्हेरे, अन्ना कर्वे और विनायकराव देशपांडे, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वह है, 19 अप्रैल 1910 थाने की जेल में सुबह 7 बजे अन्ना कर्वे, विनायकराव देशपांडे और अनंता कान्हेरे को फांसी दी गई। उन तीनों के हाथ में भगवद गीता थी और वे खुशी से फांसी चढ़ गए। जेल में अनंता के भाई ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अनंता ने कहा कि उनके माता पिता को वह दुखी नहीं देख सकते। इस वीर पुत्र को उनके माता पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए। फांसी के दिन तीनों के सगे संबंधियों को भी सरकार ने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। सरकार ने उनकी लाशें भी उनके घर वालों को नहीं दी। सरकारी अफसरों ने उनकी लाशें थाने की खाड़ी में जलाई और थाने की खाड़ी में ही उनकी रक्षा भी बहाई गई। आज के युद्ध को इन क्रांतिकारियों की याद अपने मन में जागृत रखनी चाहिए
उनका पराक्रम, त्याग और उनके प्रति पूज्य बुद्धि आज भी याद की जाती है। अन्नाकर्वे, विनायक राव देशपांडे और अनंत कान्हेरे जैसे कई क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए दिया, तभी यह देश स्वतंत्र हुआ है। उनको मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक वीर की गाथा सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।